स्टूडेंट्स टुडे इज आवर मैथ्स क्लास। आज हमारी मैथ्स की क्लास है। आज हम करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उससे पहले आप ये बताओ आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक स्टडी कर ली हैं। हमने एडिशन पढ़ लिया, हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, और आज हम करेंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन, उसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ करेंगे। ठीक है, पहले तो ये जानो कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है रिपीटेड एडिशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्या लेना देना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। लुक एट दैट, मैंने यहां पर कुछ बनाया। क्या बनाया मैंने यहाँ पर? तीन बॉक्स बनाए और तीनों ही बॉक्सेस में टू टू और टू स्टार्स रख दिए। अब मैं बात कर रही हूँ ग्रुप की। व्हाट इज ग्रुप? कितने ग्रुप है यहाँ पर? एक, दो, तीन, 1, 2, 3। थ्री ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ठीक है, स्टार्स इन ईच ग्रुप। अब हर ग्रुप में कितने स्टार्स हैं बेटा? एक बॉक्स के अंदर कितने स्टार्स हैं? 2। ओके, नंबर ऑफ स्टार्स, पूरे के पूरे स्टार्स कितने हुए? 2, 2, 2। अब मैं लिखती हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसी है ना? 2 इस ग्रुप के, 2 इस ग्रुप के और 2 इस ग्रुप के। ठीक है, तो क्या बना? 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ? 2 प्लस 2 4 और +2 6। कितने हो गए बेटा जिसमें नंबर ऑफ स्टार्स? 6, क्योंकि मैंने इनको एडिशन के साथ लिखा है ना? तो इसको हम बोलते हैं एडिशन फैक्ट। क्या बोलते हैं? एडिशन फैक्ट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको करूंगी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में। वो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या करूंगी मैं? जो मेरे ग्रुप हैं और एक ग्रुप में जितने नंबर्स हैं, लाइक इस 3 और ये जो है 2, इन दोनों को मैं करूंगी मल्टीप्लाई। ये किस चीज का सिंबल है? मल्टीप्लाई का। किसका सिंबल है ये? मल्टीप्लाई का। अब मुझे डोजिंग टेबल आते हैं, 3 1 3 3 2 6। तो आंसर कैसा आ गया? देखो, यहां पर भी 6 था और यहां पर भी 6 हो गया। द नंबर विल बी सेम। ठीक है, अब मैं फिर से इसको प्रॉपरली करूंगी। ठीक है, देखते हैं हमने क्या किया। लुक एट अगेन। अब मैंने क्या लिखा? मैंने यहां पर कुछ फ्लावर्स बनाए, 1 2 3। अगेन 1 2 3। ओके, ग्रुप्स कितने हैं? कितने ग्रुप्स हैं? 2। नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने बेटा? 3। एडिशन फैक्ट क्या होगा? एडिशन फैक्ट क्या रहेगा? मैं इसको और इसको प्लस करूंगी। इस ग्रुप के जितने भी फ्लावर्स हैं और इस ग्रुप के जितने भी फ्लावर्स हैं, मैं उन्हें ऐड करूंगी, 3 प्लस 3 6। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट में मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में मैं क्या करूंगी? मैं इस ग्रुप के कितने ग्रुप हैं और एक ग्रुप में जितने फ्लावर्स हैं, मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगी, द नंबर विल बी सेम। ठीक है बेटा, ये था मेरा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट क्या है और मल्टीप्लिकेशन क्या है, और मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या रिलेशन है। ओके, उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूं। अब मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब इसमें कौन क्या है? 2 क्या है मेरा? 2 है मेरा
मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है, जिससे कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा साइन हो गया मल्टीप्लाई का, ये तो मेरा साइन है। थ्री क्या है बेटा मेरा? थ्री है मेरा मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, सी ए एन डी, मल्टीप्लिकेंट, ओके। और जो सिक्स, ये जो सिक्स आया है ये क्या है मेरी? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट और आंसर क्या आया? प्रोडक्ट। एडिशन का जो रिजल्ट आता था उसको हम बोलते थे सम, जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आता है वो डिफरेंस, और जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आता है वो है मेरी प्रोडक्ट, ठीक है बेटा जी। ये मेरा मल्टीप्लाई का सिंबल है और यहां पर मेरा ये इक्वल का सिंबल है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अभी हम इसको एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उससे मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है, कंप्लीट टॉपिक को। चलिए पहले एक ग्रुप बनाते हैं, मैंने बनाई कुछ आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स तो मैं पसंद होंगी आप लोगों को, है ना, वन टू थ्री आइसक्रीम्स बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हमने बनाई आइसक्रीम्स, ठीक है, कितनी आइसक्रीम्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। कितने ग्रुप्स हैं? ग्रुप कितने हैं? वन टू थ्री, दैट मीन्स फाइव को थ्री बार, है ना, फाइव फाइव फाइव। तो एडिशन फैक्ट कैसे लिखूंगी मैं? फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, इसके फिर इसकी फाइव आइसक्रीम्स और फिर इसकी फाइव आइसक्रीम्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में क्या करूंगी? कितने ग्रुप हैं ऐसे लिखेंगे ना हम, पहले क्या लिखेंगे? ग्रुप लिखेंगे कि नंबर ऑफ लिखेंगे? बताओ मुझे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप हैं, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, फिर लिखेंगे कितनी आइसक्रीम्स हैं, ठीक है। अब मुझे आंसर भी बता दो इसका कितना आया, थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना हो गया? फिफ्टीन। अब मुझे बताओ मल्टीप्लायर क्या है? द फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट क्या है? सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लिकेंट, और प्रोडक्ट क्या है मेरा? जो रिजल्ट आया वो है मेरी प्रोडक्ट, ठीक है बेटा जी। हमने पढ़ा एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट एंड देन प्रोडक्ट, ओके। अब आपको करना क्या है? आपको अपनी बुक से पेज नंबर 117, 118 एंड 119 अपनी बुक में फिल करना है, ओके बेटा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।